दोस्तों, सैमसंग के स्मार्टफोन में आप ये सेटिंग कैसे कर सकते हैं साइड से बैक। आप देख सकते हैं अभी तो नीचे आप इस तरीके से बटन देख पा रहे हैं, लेकिन अभी मैं एक सेटिंग करूंगा जिससे आप साइड से बैक करेंगे, इधर से भी इधर से भी। तो वो आप सैमसंग के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर कैसे कर सकते हैं विदाउट ऐप के, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सैमसंग स्मार्टफोन की सेटिंग में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना है एक ऑप्शन जिसका नाम है डिस्प्ले, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो डिस्प्ले रहा, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आप इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा नेविगेशन बार, ये देख सकते हैं, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। ये स्वाइप गेस्चर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। बस आपको इसी पे क्लिक करना है और आपकी सेटिंग है वो हो चुकी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ से इस तरीके से करूँगा, ये देख सकते हैं बैक हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से कर रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं किसी भी ऐप को खोलूँगा, जैसे कि इसे को मैं खोल लेता हूँ, अब मैं इस तरीके से करूँगा, ये देख सकते हैं बैक हो गया है। अब मैं सेटिंग में कहीं पर भी चला जाऊँगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ कनेक्शन में चला गया हूँ, तो इस तरीके से करूँगा बैक हो जाऊँगा, ये देख सकते हैं बैक हो रहे हैं। तो साइड से बैक सैमसंग के स्मार्टफोन में इस सेटिंग को आप ऐसे ही कर सकते हैं बिना ऐप के।